सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। व्यक्ति जितने बड़े ख्वाब देखेगा उतनी ही बड़ी खुशियों को प्राप्त करेगा। खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी के साथ साथ सफलता भी मिलेगी। सबसे खुश व्यक्ति वो है जो दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आज का पंचांग 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 7:17 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र रात्रि 10:26 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार, इसे में आपके जीवन में अजीब सी घटनाएं हो रही है। जिससे भी आप मिलते हैं आपके मन में उसी के लिए कोमल भावनाएं पैदा हो जाती है। विशेषतः विपरीत लिंग को आप बहुत आकर्षित करेंगे। साथ ही आप उस काम के बारे में भी जागरूक रहेंगे जो आपको दूसरों के लिए घर और कार्य स्थल पर करना है। कई उपलब्धियां सामने आएंगी। अपने आत्मविश्वास का फायदा उठाएं। सफलता निश्चित है। मन मुताबिक गतिविधियों में निवेश होने से मन प्रसन्न रहेगा। पड़ोसियों के साथ मतभेद दूर होंगे। आपका खुशनुमा अंदाज दूसरों की भी खुशी का कारण बनेगा। जीवन को देखने का नजरिया बदलने की कोशिश करें, तभी आप सकारात्मक और नकारात्मक बातों को समझ पाएंगे। असफलताओं से मिली सीख का इस्तेमाल करें। जीवन को बेहतर बनाना संभव हो सकता है, इसीलिए जो बातें मन के विरुद्ध हो रही है उन्हें अपनाने की कोशिश करें। आध्यात्मिक बातों का सहारा लेकर जीवन में सुधार किया जा सकता है। काम संबंधी आलस ना करें। रिलेशनशिप की चिंता आपको सता रही है तो वह जल्दी ही दूर होगी। परिवार के लोगों का अपेक्षा के अनुसार साथ मिलेगा। सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, रुपए पैसे से जुड़ी समस्याएं कुछ तनाव की स्थिति बना सकती है। यहां समय धैर्य रखने का है। विवादित मामलों पर बहस करने से बचें और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर दूसरों से मान सम्मान लेना है तो उनका मान सम्मान करना भी पड़ेगा। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी के साथ पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ कहा सुनी हो सकती है। शांत मन से समस्या का समाधान निकालें। मित्रों के साथ आपसी मेल मुलाकात से मन प्रफुल्लित रहेगा। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एकदम से किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे या अपने रिश्ते में गलतफहमी पैदा ना होने दें। रिश्ते में खुलेपन और ईमानदारी लाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि यह समय आपके इस रिश्ते पर विश्वास के बादल छाए हुए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी तीसरा आदमी आपके पार्टनर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आपके किसी फैसले विचार को प्रभावित ना कर पाए। बात करते हैं करियर की। आज के दिन की शुरुआत उल्लेखनीय होगी। आपको पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की पेश कर दी जा सकती है और भाग्यशाली लोगों को नए नौकरी के अद्भुत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा चारों ओर हो रही है और ये समय इसका फल पाने का समय है। वित्तीय स्थिति में धन के प्रवाह की वजह से मजबूती आने की संभावना है। किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए अधिक उससे संबंधित अधिक जानकारी हासिल करना जरूरी है। जरूरत अनुसार फाइनेंस भी हासिल हो जाएगा। कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहेगा। सरकारी कर्मचारियों को कोई स्पेशल ड्यूटी करनी पड़ सकती है। बात करते हैं सेहत की। आपकी सेहत इस समय बहुत अच्छी है, लेकिन बदलते हुए मौसम से सावधान रहें। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बीमारी हो जाए जो अभी तो शुरुआती स्थिति में ही है, लेकिन अगर आप इसके प्रति लापरवाह
लेकिन अगर आप इसके प्रति लापरवाही बरतेंगे तो यह गंभीर रूप भी ले सकती है। गर्म और धूल रहित वातावरण में रहने से बचें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को चावल का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।